Hello friends, I hope everyone is fine in this corona outbreak. So because of this situation, we are not able to conduct our lectures. So I decided to record some lectures for you. So geography is the technical subject. I think we are not going to cover that topic, but we can cover the environment topic. Actually, we are learning some current affairs related point of environment. So I think हमने last कुछ lectures में जुलाई अगस्त तो I think cover हो गया था and some of the batches में September भी cover हुआ है. So हम start करेंगे October November most of the वहाँ से start करना है but still some of the videos like जो June जुलाई अगस्त September हो गए तो वो हम थोड़ा बाद में upload करेंगे. So we will start with the November environment the Hindu from the Hindu current affairs. ठीक है, so ये lectures में mostly November के हम दो part करने वाले, part one and part two, same for the December, January and Feb. ठीक है, so देखते हैं. First we will go with the environment current affairs for November month. ठीक है, so so let's start with the November part one. So first topic is the Indian Forest Act 1927. So यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो central drafts plans to bring in changes to Forest Act 1927. Actually इसमें amendment होने वाला था but ये हमने drop कर दिया था, ठीक है, because of the some reasons. ठीक है, तो दो देखते हैं वो क्या प्लान्स है एग्जैक्टर. यहाँ पे 1927 का एक्ट क्या था. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज विड्रॉन अ ड्राफ्ट अमेंडमेंट दैट प्रपोज्ड अपडेट्स टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. सो ये प्रपोज्ड बिल था या ड्राफ्टेड लॉ था, सो ये हमने ड्रॉप कर दिया था. तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है. तो ये न्यूज में था तो शायद इस पे प्रीलिम्स ओरिएंटेड अगर देखा जाए तो भाई दीज फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 19 वॉज ड्रॉन अप, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे इसको क्यों विदड्रॉ कर दिया. सो देर आर सम अमेंडमेंट्स इवन इन दिस एक्ट ऑफ 1927. सो देर आर मल्टीपल अमेंडमेंट्स लाइक डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एक था. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको कि डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एक आता है. सेकेंड आता है न्यू कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्शन एक्सेट्रा यहाँ पे दिया है, वो आपको देखना थोड़ा सा. ठीक है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट फेस ये भी एक दिया है. ठीक है, तो उसमें एक नया सेस क्रिएट किया जाएगा. ये प्रपोज्ड अ फॉरेस्ट डेवलपमेंट सेस अप टू 10%. ठीक है, तो ये 10% का एक सेस क्रिएट किया जाएगा. ठीक है, एसेस वैल्यू ऑफ माइनिंग प्रोडक्ट्स रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, जितने भी माइनिंग साइट्स हो गए ये फॉरेस्ट एरियाज में, सो उनपे 10% सेस लगेगा. ठीक है, तो वाटर यूज फॉर इरिगेशन और इन इंडस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज आर सम अमेंडमेंट्स एंड नेक्स्ट इज द एम्पावरमेंट एम्पावरिंग फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी. सो इट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, तो इट इज एम्पावरिंग फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको देखना है थोड़ा ढंग से बिकॉज इश्यू में यही आता है कि बिकॉज ऑफ दिस एम्पावरिंग ब्यूरोक्रेसी सो यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए या ट्राइबल एरियाज विच आर लोकेटेड इन दिस रीजन तो इनको ही अफेक्ट होने वाला है. ठीक है, कि जैसे द बिल ब्रिंग्स इन फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी टू मैनेज विलेज फॉरेस्ट थ्रू जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी. ठीक है, तो ये एक दिया है एंड सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है वो आपको पढ़ना है. ठीक है, तो देखो तो इश्यू क्या था. अकॉर्डिंग टू द एक्टिविस्ट अमेंडमेंट टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अंडरमाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरमाइंस द राइट ऑफ ट्राइबल एज इट इम्पॉज फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी एंड वुड लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो ये एक पार्ट आता है. ठीक है, तो यहाँ पे एम्पावर करने वाले वो ब्यूरोक्रेसी ज्यादा एम्पावर होगी और उसकी वजह से ट्राइबल एरियाज या फॉरेस्ट ड्वेलर्स होगी उनके जो राइट्स का एक एक्ट है यहाँ पे दिए सम ऑफ दैट तो वो ओवरलैप्स हो रहे हैं तो उसको हमको रिड्यूस करना है. तो इसलिए ये या फिर वो कॉन्फ्लिक्शन नहीं आना चाहिए इसलिए वो ड्रॉन अप कर रहे हैं. ठीक है, तो उतना याद रखना आपको. The next is Scheduled Tribe Act and other traditional forest dweller recognition forest rights act 2006 का है.
यहाँ पे मोस्टली देखो क्या क्या दिया, इट सीक्स टू रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट राइट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट में जो भी राइट्स है शेड्यूल ट्राइब्स के वो यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हु हैव बीन ऑक्यूपाइंग डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद है देन फॉरेस्ट राइट कमिटीज ऑफ विलेज एट अ सेंट्रल यूनिट इन मैनेजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे दिए, तो आई थिंक बस प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना है। तो बिल क्या था, किस में अमेंडमेंट होने वाला था, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि ओवरऑल कौन से एक्ट में अमेंडमेंट होने वाला था, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड ये कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है वो एक चेक करना, एंड सम ऑफ द पावर्स, ठीक है, हर एक एक्ट में क्या क्या पावर्स है या एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है, मोर देन पावर्स हम प्रोविजन ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो प्रोविजन क्या क्या हो गया तो वो वहां पे आपको देखना है। सो फिर वही आता है, इन लाइट आता है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस साल। द एक्ट सॉट टू कंसोलिडेट एंड रिजर्व एरियाज हैविंग फॉरेस्ट कवर और सिग्निफिकेंट वाइल्ड लाइफ, ठीक है, तो कंसोलिडेट एंड रिजर्व द एरियाज ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो जितने भी फॉरेस्ट कवर के एरियाज रिजर्व करने और कंसोलिडेट करने, विच विल डन अंडर दिस एक्ट, ठीक है। इट एम्ड एट टू रेगुलेट मूवमेंट एंड ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, तो जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए तो उसके जो भी प्रोड्यूस है तो उसका मूवमेंट एंड ट्रांजिशन या ट्रांसपोर्ट ड्यूटीज होगी उस पे, तो ये सब किसके अंडर होगा, अंडर दिस एक्ट, ठीक है। इट आल्सो डिफाइंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड डिक्लेयरिंग रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। मे बी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ठीक है, इज डिक्लेयर अंडर विच एक्ट, सो इट इज अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो इसमें रिजर्व फॉरेस्ट में मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट होता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, बिकॉज दिस इज द हब ऑफ या फिर इट इज द कोर पॉइंट ऑफ द मेन हैबिटेट, सो इसलिए यहाँ पे प्रोहिबिशन होता है, ठीक है, मोस्टली यूज बाय द दिस इज यूज बाय द लोकल पीपल्स ओनली, ठीक है, बट वही है कि फॉरेस्ट ऑफिसर के परमिशन के थ्रू यहाँ पे अलाउ किया जाएगा, बट अदर एक्टिविटीज आर कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड इन दिस रिजर्व फॉरेस्ट। सो ये अलाउ कहाँ पे होता है, जनरली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अलाउ हो सकता है, ठीक है, तो वो देखना आपको कि यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूट एनी लैंड एंड अदर लैंड रिजर्व फॉरेस्ट एज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, तो ये कौन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत अलाउ कर सकते हैं अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट रिटेन द पावर्स टू इशू द रूल्स, सच फॉरेस्ट रिटेन द पावर्स टू रिज्यूम द स्पेसिफिक ट्रीज स्पीसीज इन द प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, तो यहाँ पे देखना, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इकोनॉमिक यूज भी हम इसका कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट विद द परमिशन, ठीक है, उस टिम्बर फ्रूट और द नॉन वुड प्रोडक्ट्स हैव रेवेन्यू रेजिंग पोटेंशियल, ठीक है, तो ये आएगा फिर इसमें आ सकता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, ठीक है। एंड विलेज फॉरेस्ट इज लाइक नॉर्मल वन कि जहाँ पे कौन सा भी एरिया होगा तो स्टेट गवर्नमेंट मे असाइन टू एनी विलेज कम्युनिटी द राइट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, टू ओवर एनी लैंड विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट होगा। विलेज फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे वो एरियाज को हम नोटिफाई कर सकते हैं या फिर सम ऑफ द एग्जेम्पशन दे सकते हैं विदाउट रेस्ट्रिक्शन, अगर जो एरिया होगा तो दैट विल बी विलेज फॉरेस्ट, बट स्टिल देयर इज सम ऑफ द फॉरेस्ट, बट मोस्टली देयर वहां पे कौन से लोग होंगे, ट्राइबल या फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनका सेटलमेंट होगा, नॉट फॉर द डेवलपमेंट पर्पज, ठीक है, तो ये एरिया कोई डेवलपमेंट वाला पर्पज का नहीं होगा, ओनली फॉर द लोकल पीपल्स, ठीक है। Then next है, और एक इम्पॉर्टेंट एक बात है, द एक्ट हैज डिटेल डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफेंस, ठीक है, तो ऑफेंस रिलेटेड भी मेंशन किया ये एक्ट में, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो वो भी एक चेक करना है आपको, ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिटेड इनसाइड अ रिजर्व फॉरेस्ट है ना, व्हाट आर द एक्ट्स, मतलब कौन से एक्ट्स यहाँ पे प्रोहिबिट किए, ठीक है, हंटिंग होगा, पोचिंग होगा, या फिर जैसे रिजर्व फॉरेस्ट में हमने देखा कि टिम्बरिंग या इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी अलाउड नहीं है, सो वो एक्टिविटीज के बारे में सब कहाँ पे दिया है, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर प्रोविजन दिए, इवन दो ऑफेंसेस आल्सो, ठीक है, एंड पेनल्टीज भी यहाँ पे दिया है, इफ समवन वायलेट दिस एक्ट्स, सो पेनल्टीज भी यहाँ पे शो किया है, तो ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी तक ये एक्ट इट इज लाइक वेरी ओल्ड एक्ट, लाइक ब्रिटिश टाइम का एक्ट है, तो इसमें वैसे देखा जाए तो अभी तक अमेंडमेंट करने के लिए और कोई कमिटीज थी क्या, यस डेफिनेटली, शायद ये भी पूछ सकते हैं बिकॉज अभी ये डिस्कशन में,
तो इसलिए फिर कमिटीज भी पूछ सकते इसके बारे में. सो दैट इज एमबी शाह रिपोर्ट 2010, ये कह सकते हैं, टीएसआर सुब्रमण्यम रिपोर्ट 15 का. ठीक है, तो ये दिस टू आर फॉर अमेंडिंग दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट. ठीक है, सो नॉट अपोजिंग, कोई अपोज नहीं कर रही है कमिटीज. सो दिस कमिटी मोस्टली अबाउट द अमेंडिंग द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट हो सकता है. ठीक है, सो आई होप यहाँ पे आपको एक एग्जाम अप्रोच मिल गया होगा. देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन में प्रीलिम ओरिएंटेड हम देखने वाले हैं कि फर्स्टली कौन सा एक्ट है, कहाँ पे अमेंडमेंट होने वाले है. सेकेंड क्या आएगा इसमें कि इज दिस पास बाय द पार्लियामेंट, ये पास हुआ है या नहीं हुआ है अमेंडमेंट बिल, नहीं हुआ है. ठीक है, तो दिस इज सस्पेंडेड और ड्रॉन अप बाय द पार्लियामेंट बिकॉज यहाँ पे क्या है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 का, तो उसको ओवरलैप कर रहा था ब्यूरोक्रेसी जो रहेगी फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी, तो उसको पावर ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए ये क्या है ये एक्ट एनेक्ट नहीं हुआ है. ठीक है, तो उतना याद रखना आपको कौन सा एक्ट है, कहाँ पे ओवरलैप हो रहा है एंड सम ऑफ द अमेंडमेंट्स गिवन बाय दिस बिल. ठीक है, और लास्ट इज द some of the other reports या फिर other committees which are supporting to this act. ठीक है, okay. Next is wasteland conversion. So यहाँ पे देखते हैं कि I think हमने last sessions में भी ये बहुत बार आया था आपके लिए, because इस बार आपको पता है कि UNCCD United Nation Convention on Climate United Nation Convention on to combat with the desertification. ठीक है, तो इसका समिट इंडिया में 19 में हुआ था. सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होगा बिकॉज वहां पे टू कॉम्बैट विद द डेजर्टिफिकेशन, यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि इंडिया INDC के टारगेट्स हो गए, इंटरनेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए, अपॉन चैलेंज होगा, तो उनके जो टारगेट्स है वहां पे वो अचीव करेगा. ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बार न्यूज में आया है. तो वेस्टलैंड कन्वर्जन थ्रेटन्स लाइवलीहुड इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल बैलेंस. ठीक है, तो थोड़ा सा अदर काइंड ऑफ व्यू से ये कवर किया है. ठीक है, तो देख लेना कि वेस्टलैंड कन्वर्जन फिर आता है तो जितने भी वेस्टलैंड्स है, शब्बलैंड्स होगी या मार्शलैंड्स होगी, तो जो भी एरियाज है बैरन लैंड्स होगी, मोस्टली अनकल्टिवेटेड लैंड्स होगी, तो उनको हमको क्या करना है, कन्वर्जन करना है. तो जितने वेस्टलैंड्स है सो दे माइट बी कवर्ड या कन्वर्टेड इन फॉरेस्टेड लैंड. ठीक है, तो ये टारगेट्स हमने INDC में भी रखे हैं, सो वो इम्पोर्टेंट होगा. देखो लास्टली INDC में इम्पोर्टेंट था 26 मिलियन हेक्टर्स वेस्टलैंड बाय 2030. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज फर्स्ट वाले टारगेट तो ऐसे 13 था, 13 मिलियन बाय 2020 एंड 26 मिलियन ये टारगेट है, 26 मिलियन हेक्टर्स ऑफ वेस्टलैंड बाय 2030. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा बॉन चैलेंज में, तो वो आपको याद रखना है. NFLR so with the help of these targets the wasteland conversion agar hum karte hain so it will help to achieve these targets FLR bhi hoga ya bond challenge bhi hoga. theek hai, to humko yaad rakhna hai wasteland means kya hota hai exactly dekh lena. so definition is going to be important. are a barren and uncultivated land lying unproductive or which is not being utilized to its potential. ठीक है, तो ऐसे कुछ कोई भी लैंड हो सकते हैं, फिर वो वैलीज हो सकते हैं, हिल्स हो सकते हैं, स्लोप्स हो सकते हैं, वाटरलॉग मार्शी लैंड्स हो सकते हैं या बैरन लैंड्स हो सकते हैं. सो इतने सारे एरियाज हैं, तो वो हमको क्या करना है, कन्वर्जन करना है उसका, मोस्टली फॉरेस्टेशन है, अफॉरेस्टेशन है. ठीक है, तो उतना ही आपको याद रखना है. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि टारगेट भी हमने देख लिए, तो सिग्निफिकेंस क्या है. इट अफेक्ट्स द लाइवलीहुड पास्टोरल्स फिशरमैन नोमैडिक फार्मर्स एक्सेट्रा, इन पे इफेक्ट हो सकता है. इट आल्सो एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट फ्लड एंड ड्रॉट पोल्यूशन एक्सेट्रा, उसके लिए भी अफेक्ट होगा ये, या उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा. इंडिया इज लैंड डेफिसिट कंट्री, डेफिनेटली 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ओनली 2.4% ऑफ लैंड हमारे पास है. ठीक है, तो इसलिए जितना इसको अफॉरेस्टेशन में करते हो तो एक तो एनवायरनमेंट के भी चैलेंजेस हम अचीव कर सकते हैं, एंड सेकंड इसको हम अगर डेवलपमेंट भी करना है तो वो भी हम अचीव कर सकते हैं. ठीक है, तो उतना देखना है. टू एंश्योर फूड आल्सो, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा बिकॉज फूड सिक्योरिटी ये आने वाला सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए. ठीक है, बिकॉज 45-50s के बाद 2050s के बाद इंडिया में भी
हाईएस्ट पॉपुलेशन ऐसे बोलते हैं, या हाईएस्ट पॉपुलेशन हो सकता है इंडिया का, ठीक है। तो मुझे लगता है फिर अगर ऐसा पॉइंट आपको कहां पे भी देना है तो वेस्टलैंड टारगेट करो, जहां पे आपको फूड सिक्योरिटी शो करना है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी शो करना है, तो वहां पे आपको ये टारगेट देना चाहिए टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। सो इंडिया नीड टू फोकस ऑन द वेस्टलैंड्स, ठीक है, या बैरन लैंड्स, तो वो हमको देखना। अदर यूज ऑफ वेस्टलैंड ऐसे भी हो सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो सकता है, या सोलर पावर प्लांट्स हो सकते हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी कोई भी ले लो आप, ठीक है, तो उसके लिए भी इसका बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो नॉट ओनली अफॉरेस्टेशन, सो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड सम ऑफ द वेरियस पॉइंट्स, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, प्लीज नोट दैट पॉइंट्स, ठीक है। द कंसर्न मार्शलैंड आर कंसिडर्ड एज अ वेस्टलैंड ऑल्सो, ये थोड़ा कुछ कंसर्न था कि रिसेंट फ्लड ऑकर हुआ था मार्शलैंड एंड कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट बफर लैंड, चेन्नई में कुछ पल्लीकरण मार्श इंटू इंडस्ट्रियल एरिया से कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं सम ऑफ द मार्शलैंड्स का या वेस्टलैंड्स का, सो वहां पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट या सम ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, तो उतना भी हमको याद रखना है। कॉमन ग्रेजिंग लैंड्स एज अ वेस्टलैंड इट थ्रेटन्स लाइवलीहुड, यस, तो कॉमन ग्रेजिंग लैंड्स है अगर वो वेस्टलैंड ऐसे कुछ कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली किसी का लाइवलीहुड हो सकता है, तो दैट विल अफेक्ट दैट पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद एक रिपोर्ट अभी आता है थोड़ा प्रीलिम पे, प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट है, वेस्टलैंड एटलस, ठीक है। तो वेस्टलैंड एटलस क्या है, 19 का, तो ये कौन डिक्लेयर करता है, इसके कुछ की पॉइंट्स आता है, ठीक है। तो 19 का ऐसे कुछ वेस्टलैंड एटलस आया था, तो वो किसने डिक्लेयर किया था, सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज प्लेस इज फिफ्थ वन, तो 19 में फिफ्थ हुआ है। इसके पहले भी एवरी 5 ईयर अगर आप देखते हो, 2000, 2005, 10, बस एक 11 में का आया था विद इन अ ईयर, तो ऐसे टोटल 4 थे एंड उसके बाद डायरेक्टली 19 में आया आ गया, ठीक है। तो इसलिए देखना है आपको, इट इज द फिफ्थ वन, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू ये डिक्लेयर होता है, रिलीज होता है, सॉरी, एंड प्रिपेयर कौन करता है, सो देर इज अदर डिपार्टमेंट्स, सो दैट आर द लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ही आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स एंड इन कोलैबोरेशन विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर विच इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस, सो ये दोनों प्रिपेयर करते हैं एंड उसका रिलीज, ये जो डेटा होता है तो इसका रिलीज होता है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर, ठीक है। तो जितने भी वेस्टलैंड एरियाज है वो ट्रैक करना इनका काम सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। तो यहाँ पे देखो, इट मेजर्स 23 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टलैंड एंड ट्रैक्स द इफेक्ट ऑफ रिक्लेमेशन एफर्ट्स, ठीक है। तो जितने भी 23 ऐसे एरियाज है तो वो ट्रैक करते हैं एंड उसको रिक्लेम करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लेने चाहिए, तो वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक ही पॉइंट, रिडक्शन इन द वेस्टलैंड एरियाज, देखो वही पॉइंट रिपीट होता है कि कैसे रिड्यूस करना है वो एरियाज, वो दिया उन्होंने एंड उसके बाद उसके कुछ कैटेगरीज भी है, डेंस स्क्रब, मार्शी लैंड, सैंडी एरियाज एक्सेट्रा, डिग्रेडेड पास्चर्स एक्सेट्रा। द वेस्टलैंड हैव अंडरगोन पॉजिटिव चेंज, लाइक कहाँ पे अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट में क्या क्या दिया है वो भी देखता है, ठीक है। तो सम ऑफ द पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ द वेस्टलैंड, ठीक है, जो कम हुए अभी रिसेंटली, तो वो है राजस्थान, बिहार, यूपी एक्सेट्रा, यहाँ पे दिए देखो स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस हुए एंड मेजोरिटी ऑफ वेस्टलैंड हैव बीन चेंज इनटू कैटेगरीज ऑफ क्रॉप लैंड। अभी देखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वेस्टलैंड कन्वर्जन इंडिया में किस तरह सक्सेसफुल हुआ, अगर इस पे कोई क्वेश्चन बनता है मेंस में हो या प्रीलिम्स में हो, सो यस डेफिनेटली लास्ट कुछ ईयर्स में इंडिया ने इम्प्रूव किया है और वो इम्प्रूवमेंट किस में दिख रहा है, वेस्टलैंड कन्वर्जन फर्स्ट इज द क्रॉप लैंड में हुआ है, सेकंड इज द अफॉरेस्टेशन या प्लांटेशन में हुआ है एंड थर्ड इज द इंडस्ट्रियल एरिया मींस कमर्शियल यूज के भी हुआ है, ठीक है। तो दीज थ्री बेनिफिट्स, ठीक है, तो ये हमको मिले है कहाँ से, सो वेस्टलैंड कन्वर्जन से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप कोई भी मेंस के अगर देखा जाए GS 1 में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, या इकोनॉमिक्स में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो याद रखना है, डिफरेंट वेस्टलैंड रिलेटेड होगा तो एग्रीकल्चर चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही है। तो क्रॉप लैंड सबसे अभी तक का हमारा सक्सेसफुल कन्वर्जन क्या है, वेस्टलैंड टू क्रॉप लैंड, सेकेंड प्लांटेशन मीन्स अफॉरेस्टेशन होगा एंड थर्ड इज टू इंडस्ट्रियल
एरियाज। ओके ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स में देखते हैं पॉइंट। सो इट इज द दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो सबको पता है कि यूपी में आता है एंड फेमस फॉर एलिफेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो एलिफेंट सफारी यहाँ पे बहुत फेमस है, बट रिसेंटली दुधवा नेशनल पार्क में बैन किया, ठीक है। तो जितने भी ऐसे एलिफेंट सफारीज होते हैं तो वो बैन किया है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ दिस एलिफेंट्स, ठीक है। तो इसलिए सम ऑफ द डेथ्स भी बहुत ज्यादा हो रही है। हमने शायद सम ऑफ द लास्ट करंट अफेयर्स में भी देखा था कि इंडिया में जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं कि कुछ पॉपुलेशन हमको रेस्ट्रिक्ट करने पड़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने टॉप में किसको लिया, एलिफेंट, जिनका पॉपुलेशन हम सब ऑफ द एरियाज में कंट्रोल करने वाले हैं। सो क्यों कंट्रोल करने वाले, बिकॉज ऑलमोस्ट विद इन अ ईयर इट्स लाइक कि 4000 के आसपास कुछ डेथ हुई है इंडिया में, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। तो इसलिए ऐसे प्रोबेबिलिटी जो है तो वो कम करने के लिए हमने दुधवा नेशनल पार्क में ये जो वाइल्ड सफारी आपको दिख रही है तो वो हमने बंद किया रिसेंटली। एलिफेंट चलो देखते न्यूज पर, ठीक है। रिसेंटली द एलिफेंट सफारी एट दुधवा नेशनल पार्क वॉज बैंड, ठीक है। और एज द मोस्ट ऑफ द 10 एलिफेंट्स हैव बीन डिप्लॉयड इन पेट्रोलिंग ड्यूटीज, सम ऑफ द अदर ड्यूटीज के लिए उनको पेट्रोलिंग ड्यूटीज के लिए डिप्लॉय किया है, बट अभी टूरिस्ट पर्पज के लिए इसको बैन किया है, सफारी के लिए बैन किया। तो ये कहाँ पे बैन किया है, सो ये इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। द अदर मेजर रीजंस टू पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द सफारी वाज द एग्रेसिव नेचर ऑफ मेल एलिफेंट्स एंड व्हिच पोज अ सीरियस थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द राइडर्स हो गया, टूरिस्ट हो गया, ठीक है। तो अब आता है फिर न्यूज में, तो हमको देखना है फिर कि दुधवा कहाँ पे आता है। सो डेफिनेटली इज इन यूपी, ठीक है, इंडिया नेपाल बाउंड्री पे आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मोस्टली यहाँ पे बाउंड्री पे आ रहा है, मतलब नॉर्थ ऑफ यूपी में आ रहा है, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि गंगा की ट्रिब्यूटरी एक आती है घाघरा, तो उसके सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज घाघरा के ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही आती है। सो देखते हैं, ये स्टेशन मेनली अक्रॉस लखीमपुर खेरी भरिच डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आता है। दुधवा नेशनल पार्क थ्रू सुहेली मोहाना स्ट्रीम, तो ऐसे कुछ ट्रिब्यूटरीज है सुहेली एंड मोहाना, ठीक है। तो यहाँ दुधवा लोकेटेड है, ठीक है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि देखो आप यहाँ पे किशनपुरी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, यहाँ पे किशनपुरी का एक पार्ट आता है दुधवा में, एंड कट्टारनी घाट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक पार्ट। सो ऐसे दो इम्पोर्टेंट सेंचुरीज है यहाँ पे, उनके भी शारदा एंड गेरुआ ऐसे कुछ ट्रिब्यूटरीज लोकेटेड है ये सेंचुरीज, एंड ये सेंचुरीज आते हैं ये नेशनल दुधवा नेशनल पार्क के अंडर, ठीक है। तो मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड ऑल ऑफ द रिवर ऑल ऑफ दीज अबोव रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ घाघरा रिवर, ठीक है। तो घाघरा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड सबसे सेकंड इम्पोर्टेंट मुझे और एक लगता है कि देखो जैसे काजीरंगा एक तराई नेशनल पार्क या तराई रीजन का एक पार्ट है, तराई तो आपको पता ही होगा कि रिवर का सम ऑफ द सेकेंड फेज हम बोल सकते, पहले भाबर रीजन होता है एंड सेकेंड इज द तराई की जहाँ पे रिवर रीअपीयर होती है, एंड मोस्टली वेटलैंड मार्शी एरियाज ऐसा होता है। सो दिस इज ऑल्सो द ग्रासलैंड एंड वेटलैंड, ठीक है। तो दुधवा लाइक काजीरंगा सेम ये ग्रासलैंड एंड वेटलैंड का ही टाइप है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड इज द टाइगर एंड राइनोज एंड स्पॉटेड टूगेदर, यूपी में ऐसे ही अकेला प्लेस है दुधवा की जहाँ पे टाइगर्स एंड राइनोज साथ में दिखते हैं आपको, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होगा, सो प्लीज गो थ्रू दिस ऑल बिकॉज ये अगेन न्यूज में, तो शायद ये नेशनल पार्क पे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्लो लोरिस एंड इंडियन स्टार टॉर्टोइस। सो ये भी न्यूज में था कि इलीगल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज बस्टेड एंड वन अरेस्टेड इन हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद में कुछ ऐसे इवेंट हुए थे कि जहां पे इलीगल ट्रेडिंग हो रहा था इनका एंडेंजर्ड स्पीसीज का। सो फिर अगेन ये आता है न्यूज में, अगर ऐसे ट्रेड हो रहे तो वही स्पीसीज इंपॉर्टेंट होगी। मैंने जैसे लास्ट सेशन में भी आपको बहुत बार बताया कि बहुत सारे स्पीसीज है, मोर देन 10,000-20,000 स्पीसीज इंडिया में अवेलेबल है, कि जो न्यूज में नहीं बोल सकते हम बट इम्पॉर्टेंट होता है, बट न्यूज में आने वाले ऐसे बहुत ही कम स्पीसीज होते हैं जो न्यूज में आते हैं, तो फिर तब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमको ये देखना है कि यही सेम न्यूज में इनका ट्रेडिंग हो रहा है न्यूज में, तो शायद यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं, स्लो लोरिस एंड इंडियन स्टार टॉर्टोइस, IUCN में क्या लिस्टिंग है, वल्नरेबल, बोथ आर वल्नरेबल, ठीक है।
उसके बाद साइड्स के अपेंडिक्स वन में आता है, स्लो लोरिस एंड इंडियन स्टार टर्टल इज इन सेकंड आता है। अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर देखते हो तो शेड्यूल वन में आ रहा है, तो शेड्यूल फोर में आ रहा है, ठीक है, टर्टल अगर देखते हो आप तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वही ज्यादा कुछ इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बस आपको इनको देखना है कि स्लो लोरिस एंड इंडियन स्टार टर्टल इनका लोकेशन क्या है, ठीक है। मोस्टली आंध्रा में भी मिलते ही है, ठीक है, तो सम ऑफ द एरियाज आपको वो स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हाई लेवल कमिटी हैज बीन सेट अप बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है टू फ्रेम नेशनल पॉलिसी ऑन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ऐसे कुछ गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सम ऑफ द पॉलिसी फ्रेम किया है यहाँ पे, सो देखते वो पॉलिसीज क्या है। द कमिटी फॉर्म विल बी परफॉर्म डिटेल रिव्यू ऑफ द इशू इन द डेवलपमेंट ऑफ पाइप गैस नेटवर्क, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल सिटीज है तो वहां पे हमको ये गैस नेटवर्क इंक्रीज करना है, ठीक है। लाइकली डिले अभी क्या हो रहा है, और एक सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आ रहे हैं, लिमिटेशंस आ रहे हैं, तो वो कौन से, द पॉलिसी विल आल्सो एड्रेस द इश्यूज व्हिच डिले इन गेटिंग अप्रूवल्स ऑफ द स्टेट लेवल, ठीक है। तो जितने भी स्टेट लेवल पे डिले क्यों हो रहा है वो भी चेक करना है। एंड सेकंड, द पॉलिसी विल इंक्लूड अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू ग्रांट क्लियरेंस दैट इंक्लूड्स लैंड, एनवायरमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सेट्रा इन टाइम बाउंड मैनर, मतलब जितना टाइम दिया है उतने टाइम में हमको ये एक्स्ट्रा कनेक्शन या गैस नेटवर्क्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो वो हमको यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है, द नंबर ज्योग्राफिकल एरियाज विद गुड सिटीज गैस डिस्ट्रीब्यूशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 78, यस डेफिनेटली अभी तक इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। तो 78 पे था ये एंड ऑफ 2017 में, अभी 229 तक गया है, मतलब गैस डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी नंबर से वो इंक्रीज ही हुए, कहाँ पे डिक्रीज नहीं दिख रहा। सो इसलिए बस इसके सम ऑफ द ऑब्स्टेकल्स या लिमिटेशंस हमको ओवरकम करने के लिए ये कमिटी एस्टेब्लिश की है, ठीक है। तो उतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आसामी गमोसा एंड आसामी रूफ्ड टर्टल, तो ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, ठीक है। अगेन स्पीसीज कोई न्यूज में आते तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। टर्टल सर्वाइवल अलायंस होगा, एक ग्रुप है, एनजीओ है, डाइट्स ऑन हैंडमेड टॉवल इन आसाम। तो सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स या लोकल पीपल के हेल्प से सम ऑफ द गमोसा मींस क्या है वो पहले समझ लो, ठीक है। तो गमोसा मींस एक लाइक स्कार्फ होता है, या इसको हम रूमाल बोलते हैं, या फिर एक टॉवेल भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे कुछ टॉवेल्स पे जो सम ऑफ द थ्रेटेंडेड टर्टल्स है, लाइक यहाँ पे इन्होंने आसाम रूफ टर्टल एक लिया है, तो उसका जो पिक्चर है तो वो वहां पे वोवन करेंगे, ठीक है, या फिर उसका सीविंग करेंगे, एग्जैक्टली वही पिक्चर वो वहां पे स्प्रेड करेंगे, मतलब वहां पे उसको ड्रॉ करके सेम ये टॉवल्स वगैरह हो गए, तो जो भी गेस्ट आते हैं या डिफरेंट लोग आते हैं तो उनको हम ये देने वाले टू अवेयर अबाउट द दीज टर्टल्स, ठीक है। तो यह देखना, एक्टिविस्ट आर बैंकिंग ऑन द गमोसा वोवन, ठीक है, with images of the endangered turtle to spread this message, ठीक है, यहाँ पे दिया है देखो। Next एक यहाँ पे cotton towel type हो सकता है, has been assigned a new function, conservation of rare freshwater turtle, ठीक है। Recently multi-purpose Assami gamosa, which is a white cotton towel, देखो यहाँ पे दिया है, has been assigned a function of conservation of Assam freshwater turtle, तो ये देखो फ्रेश आसाम में तो ऑब्वियसली आपको फ्रेश वाटर टर्टल यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो इट इज द फ्रेश वाटर टर्टल। तो आसामी गमोसा क्या होता है यहाँ पे देखना, व्हाइट रेक्टेंगुलर यहाँ पे नीचे दिया, रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ पीस ही है, ठीक है, पीस ऑफ क्लॉथ है, एंड विथ प्राइमरीली रेड बॉर्डर, ठीक है। तो रेड बॉर्डर इसको दिख रहे थ्री साइड से मोस्टली, एंड रेड वुवन मोटिव्स ऑन द फोर्थ साइड, ठीक है। तो ऐसे कुछ उन्होंने 3-4 साइड्स में ऐसे रेडिश कवर किया है, एंड बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टर्टल की पिक्चर्स यहाँ पे उन्होंने वेव करके दिए, ठीक। सो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा है कि ये गिफ्ट कर सकते हैं डिफरेंट टूरिस्ट को, विजिटर्स को, यूज्ड एज अ स्कार्फ ऑल्सो, एंटी डस्ट मास्क ऑल्सो, एंड रैप अराउंड द हेड एज अ टर्बन ऑल्सो, ठीक है। तो डिफरेंट इसके मल्टीपर्पज यूज है, तो ऐसे कुछ ये डेवलप करने वाले आसाम गमोसा, ठीक है, उतना याद रखना है।
conservation are now banking on this cultural icon, carry forward turtle conservation with Kamosa woven and turtle images. ठीक है, तो turtle images होगी ऐसे आपको याद रखना है. ठीक है, तो देखते हैं ये roof turtle क्या है. साइड में यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है. टर्टल मतलब याद रखना आपको कि ये बहुत ही छोटे हो सकते हैं, मतलब टॉर्टाइज इज लाइक लार्जर वन होते हैं, टर्टल छोटे होते हैं. ठीक है, तो असमी रूफ टर्टल ऑल्सो नोन एज सिलेट रूफ टर्टल ऑल्सो. ठीक है, तो मे बी इस पे क्वेश्चन बन सकता है. इट इज नॉट ओनली एंडेमिक इंडिया ओनली, सो ये बांग्लादेश में भी, आसाम में भी है एंड पॉसिबली इन भूटान में भी है. सो इट इज टेरिस्टेल एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट ऑल्सो. ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है. ठीक है, तो ये रहेगा फ्रेश वाटर एंड टेरिस्टेल. ठीक है, एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट ऑल्सो. ठीक है, तो एंडेंजर्ड आता है IUCN में. उसके बाद है इसका शेड्यूल कौन सा है देख लेना यहाँ पे. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फर्स्ट के अंडर ही आने वाला ये एंड साइट्स के टू में आता है. ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेड बिकॉज इनका पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो वही इसलिए अवेयर करने के लिए हम ऐसे गमोसास क्रिएट कर रहे हैं. सो क्यों होता है इनका मोस्टली ट्रेडिंग, इलीगल ट्रेडिंग? तो मीट होते हैं, एग्स होते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया है देखो, एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बाय लॉगिंग एंड इंसिडेंट कैप्चर by fishing here etc. ठीक है, तो ये आपको देखने some of the points यहाँ पे. एंड उसके बाद some of the self help group है कि जो mostly ये गमोसास बना रहे. ठीक है, तो कासो साखी ऐसे उनका कुछ self help group आपको याद रखना है. कासो साखी means friend of turtles. ठीक है, ऐसे उन्होंने दिया है. तो ये mostly आते हैं same काजीरंगा के आसपास या ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास आते ही है. ठीक है, तो उतना याद रखना. विश्वनाथ घाट ऐसे एक एरिया है, तो वहां पे आता है. टर्टल सर्वाइवल अलायंस के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारा आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था. ठीक है, बट स्टिल आपको ये चेक करना है. ठीक है, एशियन टर्टल क्राइसिस क्या है या टोटल सॉरी टर्टल सर्वाइवल अलायंस क्या है, IUCN का पार्टनरशिप है इसके साथ. ठीक है, तो ये सब आपको चेक करना है. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिविजन एक आता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क के पास आएगा. ठीक है, तो याद रखना विश्वनाथ घाट पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है, so it is near the Kaziranga National Park, Assam. ठीक है, तो northern banks of Brahmaputra के आसपास आता है, उतना भी आपको एक चेक आउट करना है. ठीक है, तो सेम वही है कि आपको चेक करना है ऑल ओवर. एज अ प्रीलिम्स आ सकता है कि गमोसा पे मोस्टली कौन से टर्टल को मेंशन किया है. सो आसाम में रूफ टर्टल या सिलेट रूफ टर्टल आपको उतना याद रखना है. सिलेट रूफ टर्टल भी पूछ सकते हैं. ठीक है, कि एग्जैक्टली ये गमोसा मींस वन टाइप ऑफ क्लॉथ ही है, सिंपल कॉटन का भी हो सकता है. इट्स लाइक मोस्टली ये टॉवेल्स या स्कार्फ लाइक यूज होगा. कुछ भी दे सकते हैं, लाइक आपको साड़ी बोल सकते हैं या अदर पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ क्लॉथ ऐसे बोल सकते हैं, बट इट इज सिंपली स्कार्फ या फिर जिसको हम टॉवेल बोल सकते हैं. ठीक है, तो उतना आपको याद रखना है. डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज इमिशन गैप रिपोर्ट. सो इमिशन गैप रिपोर्ट क्या है, तो मोस्टली आपको देखना है 19 में ये लॉन्च हुआ था एंड UNEP हैज रिलीज दिस रिपोर्ट, एनुअल इमिशन गैप रिपोर्ट. ठीक है, 19 का एक रिपोर्ट आया था, तो वो देखना है हमको. और ये कौन डिक्लेयर करता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो इट इज UNEP. ठीक है, तो यहाँ पे देखना आपको, इट इज UNEP. ठीक है, तो उतना एक चेक कर लेना. उसके बाद वर्ल्ड एक्शन टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग इनएडिक्वेट सेज UNEP. UNEP कहता है कि जितने भी हम एफर्ट्स ले रहे हैं वो बहुत ही कम है टू टैकल विद ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, सो वी नीड टू टेक मोर एफर्ट्स. सो अबाउट UNEP अगर देखते हैं तो इमिशन गैप क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन इमिशन लेवल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव प्लीज टू अचीव अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड द लेवल कंसिस्टेंट विद द लिमिटिंग वार्मिंग वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस. हमने देखा है ऑलमोस्ट हमको 2 to 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमको टेम्परेचर मेंटेन रखना है या रिड्यूस करना है या लिमिट करना है. ठीक है, सो देर आर मल्टीपल टारगेट्स. सो वही टारगेट्स के बारे में हमको डिफरेंस देखना है. सो इमिशन गैप रिपोर्ट्स मेजर्स एग्जैक्टली क्या क्या होता है देखो यहाँ पे. द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इज द ग्रीन हाउस गैस इमिशन एवरी ईयर अप टू 2030. ठीक है, तो मतलब एग्जैक्टली अभी कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन है एंड एवरी ईयर कितना इंक्रीज हो रहा है एंड वो अप टू 2030 कितना होगा. ठीक है, तो वो आता है. देन कमिटमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फॉर द डिफरेंट इमिशंस. ठीक है, तो वो ओवरऑल यहाँ पे आएगा. एंड पेस एट विच इमिशन मस्ट बी रिड्यूस. ठीक है, तो कौन से पेस से इमिशन रिड्यूस होना चाहिए डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस इमिशन सो दैट वी कैन अचीव द दिस गोल. ठीक है, विच इज ऑल्सो गिवन इन द डेफिनेशन अबाउट. ठीक है, तो 1.5 होगा या 2 डिग्री सेल्सियस तक हम अफोर्डेबली कर सकते हैं कंट्रोल. ठीक है, तो कितना पेस होना चाहिए,
और अभी फिलहाल कितना है, ठीक है, तो वो आता है इसमें. द इमिशन गैप रिपोर्ट वॉज रिलीज इन 2011 ऑल्सो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी क्या होता है, ये रिपोर्ट में क्या क्या दिया है मेजर. ग्रीन हाउस गैस इमिशन हैड राइजन 1.5% पर ईयर ओवर द लास्ट सम ऑफ द डिकेड्स, ठीक है, तो उतना याद रखना. ग्रीन हाउस गैस इमिशन ऑलरेडी राइज हुआ है, राइजिंग लेवल पे है, ठीक है. तो उसके बाद इमिशन इन 2018 हिट अ न्यू हाई 55.3 गीगाटन्स, ठीक है, तो ऑफ CO2 इक्विवेलेंट. तो ये रिपोर्ट में अभी रिसेंट रिपोर्ट में ये भी एक बताया कि हाईएस्ट अभी तक का CO2 इक्विवेलेंट रिलीज हुआ है. देन उसके बाद इमिशन अगेन इंडस्ट्रियल लेवल पे डोमिनेट हो रहा है, मतलब CO2 सबसे ज्यादा इमिशन होता है तो एनर्जी या कोल बेस्ड इंडस्ट्री जो है या थर्मल पावर प्लांट के थ्रू ये इमिशन सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो उतना आपको याद रखना है. उसके बाद टू स्टे अंडर 2 डिग्री सेल्सियस, अगर हमको ये अचीव करना है 2 डिग्री सेल्सियस वाला बाय द ईयर ऑफ 2030, ठीक है, मतलब टेम्परेचर लिमिट करना है तब तक, तो वी वुड हैव टू रिड्यूस ओवरऑल इमिशन बाय 25% लोअर देन इन 18. मतलब 18 में हमने जितना इमिशन किया था CO2 का उसके 1/4 हमको रिड्यूस करना है. 25% रिड्यूस करेंगे तभी जाके ये 2030 का जो टेम्परेचर वाला एम है तो वो अचीव होने वाला है, ठीक है. एंड सेकंड, अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है, ठीक है, तब तो हमें 55% तक 18 का जो टारगेट है तो या 18 का जो ओवरऑल इमिशन है उसके 51 ऑलमोस्ट मोर देन हाफ हमको अचीव करना पड़ेगा, ठीक है. तो इतने सारे बड़े टारगेट्स है, सो वहां पे ऑब्वियसली दिए है, बट अभी हम वो लेवल तक नहीं है, उतना आपको याद रखना है. एंड नेक्स्ट इज और क्या हो सकता है देखो, एंड करंट पेस से अभी वी आर नॉट एट द गुड लेवल टू कंट्रोल दिस इमिशन. सो अगर यही चलता रहा तो देखना, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, एट द करंट पेस द वर्ल्ड इज हेडिंग फॉर 3.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज, ठीक है, मतलब 2030 तक हमें 1.5 टू 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है, बट एक्चुअली वहां तक तो नहीं, बट उल्टा ये इंक्रीज होगा 3.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट होगा, तो ये रिपोर्ट में ये मेंशन किया है. उसके बाद लास्ट वाला बेस वाला पॉइंट देखना आपको, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इमिटर बिहाइंड द USA एंड चाइना रिस्पेक्टिवली, तो वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ द CO2, तो वो भी एक आपको देखना है. बाकी पर कैपिटा आई थिंक ये सामने दिया है मैंने वैसे, ठीक है, तो आगे के कुछ पॉइंट्स में आएगा ही वो कि CO2 इमिशन कितना है, इंडिया का कितना है, चाइना कौन लीड कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आगे आएगा, ठीक है. उसके बाद है सम ऑफ द एनवायरमेंटल अथॉरिटी, अभी तक हमने मेंशन किया है तो वो देखना. इट वाज फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन, अभी तो वही है UNEP अगर डिक्लेयर करता है ये सब, ठीक है. अगेन गो बैक टू मेन पॉइंट, इमिशन गैप रिपोर्ट कौन देता है, UNEP, ठीक है. तो अभी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि UNEP ने कौन से इमिशन गैप रिपोर्ट क्या होता है, किसके बेसिस पे, तो ऑब्वियसली इमिशन गैप है मीन्स इमिशन किसका है, तो मोस्टली CO2 इमिशन पे फोकस किया है, उसके इम्पैक्ट ग्रीन हाउस गैसेस एज अ ग्रीन हाउस गैस सेसेस पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो सब यहाँ पे दिया, ठीक है. उसके टारगेट्स क्या क्या है, ठीक है, वो एक आएगा आपको प्रीवियस स्लाइड में. दिस स्लाइड में क्या होगा कि मोस्टली जो टारगेट से सम ऑफ द वो कौन से अचीव कर रहे हैं, अगर फिलहाल पोजिशन क्या है, ठीक है, तो ये सब यहाँ पे दिया आपको, ठीक है. एंड नेक्स्ट में आता है जैसे अभी UNEP क्या है एग्जैक्टली, तो UNEP क्रिएट कब हुआ था, तो ये आई थिंक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर हुआ है. इट वाज फाउंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ UNEP ऑन द 5th of June 1972, ठीक है, तो मोस्टली स्टॉकहोम कन्वेंशन सबको पता ही होगा, सो उसका ही रिजल्ट है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो उतना याद रखना UNEP के बारे में. एंड इट्स सेट द ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा सर्व एज अथॉरिटिव एडवोकेट्स for the global environment, ठीक है. And it also assists the developing countries to implement environmentally sound policies and practices. तो जितने भी developing countries हैं उनको भी ये help करता है या recommend करता है differently कि कौन से steps लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, etc. etc. ठीक है, to overcome with these environmental issues या overall हमको pollution कम करना है तो उसके लिए क्या क्या steps लेने चाहिए. तो next is NDC. सो NDC के भी टारगेट्स यहाँ पे हो गए. उसके बाद 15 में जो हमारा INDC के टारगेट्स है, इंटरनेशनल डिटरमाइंड या नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, सो इंडियाज INDC देख लो एक बार क्या है. आई थिंक हमारे ये प्रीवियस लेक्चर्स में हुआ है, सो
सो प्लीज गो थ्रू दिस ऑलरेडी, ये सब पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, तो वो उसमें से आपको पढ़ना है कि 30-35% तक हमको मिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी ये 2005 के लेवल्स तक लाना है, उसके बाद 40% बाय 2030 जो फॉसिल फ्री एनर्जी हमको क्रिएट करना है, उसके बाद कार्बन सिंक ऑफ एडिशनल 2.5-3 बिलियन टन्स थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ऐसा ट्री या फॉरेस्ट कवर हमको इंक्रीज करना है कि जिस वजह से कार्बन सिंक 2.5-3 बिलियन टन्स तक क्रिएट होगा, मतलब कार्बन सिंक, बिकॉज ट्रीज आर द कार्बन सिंक, सो इतने ट्रीज आप प्लांट करो कि आपको 2.5-3 बिलियन टन्स CO2 उसमें सिंक होगा, ठीक है, तो ऐसे कुछ INDC के टारगेट्स है, सो मे बी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टारगेट्स ऑफ INDC, ठीक है, तो उतना याद रखना बस. सो रिमेनिंग पार्ट हम पार्ट 2 में देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर द नेक्स्ट पॉइंट्स. ओके, थैंक यू.